नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं डी ह्यूज की स्टॉल पे, डी ह्यूज पावरिंग प्रोग्रेस। तो हमारे साथ जुड़े हैं संदीप कुमार जी, रीजनल सेल्स मैनेजर हैं जो कंपनी में। तो वो हमसे बात करेंगे फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। हाँ जी संदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, आज मैं डी ह्यूज के बारे में बताऊंगा। डी ह्यूज एक होलैंड की कंपनी है, MNC ग्रुप है और ये 84 कंट्रीज में काम करती है और पिछले 4-5 साल से इंडिया में काम कर रही है। और बेसिकली जो है डी ह्यूज अपनी क्वालिटी के बारे में जानी जाती है, अलग अलग तरह के फीड बनाती है। कोई एनिमल 10 लीटर दूध दे रहा है, 15 दे रहा है, 20 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, 40 दे रहा है, तो उसके लिए हमारी अलग अलग कैटेगरी आती है। और इसकी स्पेशलिटी यही है कि एनिमल की हेल्थ पे हम काम करते हैं, एनिमल की रिप्रोडक्शन पे काम करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके बैकग्राउंड की, तो ये एक नीदरलैंड से स्टार्ट हुई थी कंपनी और आज 84 कंट्रीज में काम कर रही है। और जहाँ जिस भी कंट्री में काम करती है उसमें 5-6 साल में अपने अच्छे उसमें अपना प्लांट डेवलप कर देती है। और अभी हमने राजपुरा में एक प्लांट अपना स्टार्ट किया है, जिसमें अभी पंजाब मुख्यमंत्री भगत मान जी ने उनका उद्घाटन किया था और 40-50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमें अभी स्टार्ट की है, जो कि अभी स्टार्ट हो गया और 1-1 साल के अंदर अंदर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ से अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। डी ह्यूज फीड है वो बनी इस चीज़ के लिए है कि एनिमल की हेल्थ के लिए, एनिमल के रिप्रोडक्शन के लिए और एनिमल का एक पीक मेंटेन करने के लिए। पीक मेंटेन मतलब एक एनिमल पीक पे जा रखा है, उसको मेंटेन आप कैसे करोगे, ये 3-4 उस पर ही काम करती है डी ह्यूज। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर कोई भी फार्मर हमारा जो यूज़ कर रहा है वो लंबे टाइम के लिए यूज़ करता है, क्योंकि उसमें जो एनिमल का BCS है, जो एनिमल की हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है, इम्प्रूव होती है। दूसरा क्या है, अभी रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, रिप्रोडक्शन में क्या है कि एनिमल जो आज की डेट में आप देख रहे हो कि एक अच्छी डाइट ना मिलने की वजह से जो है गायें बार बार रिपीट होती है। तो अगर कोई फार्मर डी ह्यूज का फीड यूज कर रहा है तो ये हमने देखा है कि उसकी गायें टाइम पे हिट पे आ रही है, टाइम पे कंसीव कर रही है और टाइम पे अच्छी उस पर काविंग हो रही है। और सबसे जो मेन है उसका पीक, अगर कोई गायें 30-35 लीटर दूध देती है तो उसको हम कंस्टेंटली 5-6 महीने वो 30-35 लीटर दूध पर चलती रहती है। ये नहीं है कि उसका जो कर्व होता है वो हमने उसको छोटा कर दिया है, वो एक्चुअली क्या उसका कर्व को हमने बढ़ाया कि लॉन्ग टर्म के लिए वो दूध दे। संदीप कुमार जी, हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो लेके बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए धन्यवाद।